केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। हमारी टीम पहुंची सुपौल, जहां पर उनकी मुलाकात हुई विष्णु कुमार जी, जो नगर परिषद सुपौल के वार्ड संख्या 10 से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप क्रम संख्या 2। इनसे हमारे संवाददाता ओमकर झा की खास बातचीत हुई है, तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं। जानते हैं हमारे संवाददाता ओमकर झा की इस खास रिपोर्ट में। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में नगर निकाय का चुनाव 18 तारीख को होना संभव है, क्योंकि पहले चुनाव अक्टूबर में होना था, अब दिसंबर में, यानी कि 18 तारीख को पहला मतदान होना है, 20 तारीख को मतगणना है। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह लेके चुनाव प्रचार में जोर शोर से 2 महीना पहले ही लग गए थे, लेकिन कुछ कारणवश चुनाव टल गया, फिर से दिसंबर में है। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ सुपौल जिला में है और यहाँ पे वार्ड नंबर 10 में, यहाँ पे मेरी मुलाकात विष्णु कुमार जी से हुई, जो वार्ड पार्षद के भावी प्रत्याशी हैं। इनसे ही जानते हैं कि किन कारणों से चुनावी मैदान में आए हैं और क्या करना चाहते हैं अपने वार्ड के लिए। विष्णु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते सर। और आप चुनावी मैदान में क्यों आए हैं? जनता की सेवा और वार्ड का विकास करने के लिए है सर। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है सर? समस्या यहाँ जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे नाली निकासी। जी हम सर कुछ समस्या के बारे में बात कर रहे थे और आप बता रहे थे। जी बताएं। जी सर, यह समस्या बहुत ज़्यादा है, जैसे नाली निकासी नहीं, पानी किधर बाहर, अभी दूसरी की जमीन बाहर है तो चलिए कुछ टाइम के लिए उसमें जमीन खाली तो बाहर है, कल के डेट में वहाँ घर बन जाएगा तो फिर पानी नहीं देगा, फिर पानी बहाए तो बहाए किधर? फर्स्ट जी, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड हो गया मेरा पूरा जी सफाई नहीं। जी सफाई तो थोड़ा सा भी नहीं है जी, आता ही नहीं है मेरा परिषद से कोई भी जी। और विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, आवास योजना, इस तरह की भी समस्याएं हैं यहाँ पे। जी सर, एक बार अगर मौका देगा तो निकलेंगे, तो इसके लिए हम जो भी हम अगर आप जीत के आते हैं तो क्या क्या काम कीजिएगा? 5 काम ऐसे बताएं जो जनता को समर्पित होगा। पहले तो हम यहाँ पे सबसे पहले कचरा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और पानी निकासी दूसरा जी, और तीसरा बाउंड्री जो यहाँ बोले गए हैं, बाउंड्री भी देखे ना यहाँ पे, बाउंड्री जो बोले गए हैं वो, और चौथा जो है यहाँ पे घर की मरम्मत अच्छी से नहीं हुई है, उसके लिए भी हम नगर परिषद में आवाज उठाएंगे जी। और पांचवा काम ये रहा, जो यहाँ पे एक भी स्कूल या आंगनवाड़ी नहीं है वो हम करके देंगे, पूरा प्रयास में लगे रहेंगे, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। जी सर, वृद्ध जनों का सम्मान होगा। जी सर, यहाँ पे कुछ वृद्धा से हमारी बात हो रही थी, उनकी उम्र 60 बरस से ऊपर हो चुकी है लेकिन उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है, तो क्या आप इस योजना को जोड़ पाएंगे? ये सरकार नहीं जोड़ पाएंगे, अगले जो थे वार्ड कमिश्नर इन गरीबों पे ध्यान नहीं देते थे, हम भी गरीब हैं ऐसी बात नहीं है, हम भी यही रहते हैं, तो ये जो जाते थे उनके घर तो इनको कोई लाभ नहीं उससे मिला है, तो ये हमको चुने हैं, बोले खड़ा हो हम तुम्हारे साथ थे, तो इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए वृद्धा पेंशन है जो भी है सारा चीज़ हम करके देंगे। और किस किस क्षेत्र में आप विकास करना चाहेंगे? जो हमारे सुपौल जिले का क्षेत्र है, जैसे स्टेशन हो गया है। नहीं नहीं, अपने क्षेत्र में किस टाइप का और विकास, जैसे आपने शिक्षा संबंधी बताया जी, 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 जी। उसके बाद सफाई संबंधी बताया, और क्या विकास हो सकता है? विकास सर यहाँ पे लाइट की समुचित व्यवस्था है। जी लाइट का तो व्यवस्था है मगर पूरा सा व्यवस्था नहीं है, ये तो अभी उसी चल रहा है कम, पैदल जो लोग चलते हैं उनको अंधेरे में भी कभी कभी चलना पड़ता होगा, उसके लिए स्ट्रीट लाइट का प्रबंध होगा? नहीं सर, उसके लिए भी बोले तो सर नगर परिषद हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहा, बिजली ऊपर जो नगर परिषद हो कोई ध्यान नहीं दे रहा, जैसे लाइट अंधेरे, रोड का समस्या ले लीजिए हमारा, अगर रात बिरात किसी को कुछ हो गया डिलीवरी पर कुछ भी, अगर एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है, नहीं इस व्यवस्था को कैसे देखिएगा? देखेंगे सर एक बार,
जीत के आएंगे तो ये काम जरूर जरूर करेंगे। अच्छा लास्ट सवाल आपसे, आप यहाँ की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? यहाँ का जनता का संदेश यही देना चाहते हैं, जो एक बार सबको देखे, एक बार हमको भी देख के देखिए, उसके बाद जो है हम आपके जबान पे खड़े उतरेंगे। आपका कहने का मतलब यही है कि अगर जनता आपको अपना समर्थन देके आपको अपना वार्ड पार्षद बनाती है तो उनके सुख दुख में आप हमेशा तैयार रहेंगे। जैसे अभी आप वोट मांगने जा रहे हैं वैसे उनके घर में समस्या सुनने के लिए भी जाएंगे क्या? जाएंगे ही जाएंगे सर, जैसे अभी मांगने के लिए जाते हैं हम भी उसी फैमिली समस्या का समाधान करने के लिए भी उनके घर तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? ढोलक छाप। क्रमांक संख्या 2। आपने देखा जो हमारे प्रत्याशी हैं विष्णु कुमार जी, उनका कहना है कि सिर्फ विकास होगा और विकास होगा, और वो भी निस्वार्थ भाव से, कहीं से कोई घुसखोरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, बिचौलियों का आदान प्रदान नहीं होगा। बाकी देखते हैं जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, कितना इनको समर्थन करती है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।